तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 27 जून 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मल्लाह किसे कहते हैं? तो मल्लाह कहते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं, नाविक जो होते हैं उन्हें मल्लाह कहते हैं। और ये मल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2010 में, 2010 में इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत किसने की? तो आईएमओ, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इसकी शुरुआत की 2010 में। अब इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948, 1948 में इसकी स्थापना हुई। और लंदन, लंदन में इसका हेड ऑफिस मुख्यालय है। ठीक है, तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया जाता है, जो इन मल्लाहों के सम्मान में, नाविकों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? देखिए, एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी जो जस्टिस अनंत मनोहर बदर है वो न्यायाधीश बने हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो किस राज्य के हाई कोर्ट के बने हैं? तो केरल जो राज्य है, केरल हाई कोर्ट के अभी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस अनंत मनोहर बदर। केरल की बात है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवंतपुरम। ठीक है, तिरुवंतपुरम केरल की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन, पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल कौन है तो वो भी देख लेते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है केरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जोएल सुमाकर का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, जोएल सुमाकर कौन थे? तो ये हॉलीवुड डायरेक्टर थे। हॉलीवुड डायरेक्टर, हॉलीवुड की फिल्मों के निर्देशक थे जोएल शूमाकर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के जोएल शूमाकर जो एक डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो उनको तो सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी मिली? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट है कुशीनगर। कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए भी अलाउ किया गया है। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। देखिए, मैं दिल्ली आपको जितने भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनकी राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बताता हूँ। तो अगर आप दिल्ली ये वीडियो देखते हैं तो आपको इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें रिवाइज किया कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में इसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की। देखिए क्लाइमेट प्लेज फंड क्या है, तो जो जलवायु परिवर्तन है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे निपटने के लिए अभी हाल ही में क्लाइमेट प्लेज फंड की स्थापना की गई। और ये किसने की है, तो अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है अमेजोन, और इसने क्लाइमेट प्लेज फंड की अभी घोषणा की। अमेजोन की बात है तो अमेजोन के सीईओ मतलब फाउंडर कौन है, तो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो अमेजन के फाउंडर हैं। ठीक है, अब अमीरों की बात करें तो जेफ बेजोस प्रथम स्थान पर हैं, इनके बाद में सेकंड स्थान पर कौन है, तो बिल गेट्स। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, और थर्ड किसकी, थर्ड स्थान की अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड है मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के फाउंडर हैं। और अभी हाल ही में जो एक सूची जारी हुई है फोर्ब्स की सूची, उसमें इन जो अमीरों की सूची है, इनमें भारत के एकमात्र मुकेश अंबानी ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, और इनका कौन सा स्थान है, तो नौवां। विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनमें मुकेश अंबानी ने भी जगह बनाई है टॉप 10 में, और उनका नौवां स्थान इसमें रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है। देखिए ये जो लैपटॉप योजना है अभी केरल गवर्नमेंट ने शुरू की है। इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको 15,000 रुपए का लैपटॉप, 15,000 रुपए का लैपटॉप किस्तों में दिया जाएगा। ये कितनी किस्तों में, तो 30 किस्तों में दिया जाएगा, और 500 रुपए प्रतिमाह की किस्त के आधार पर ये लैपटॉप दिया जाएगा। ठीक है, तो किसने शुरू की है, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च की। देखिए ई ब्लड सर्विसेज ऐप जो है अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च की है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन ब्लड की उपलब्धता के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए देविका और पुनेजा जो ब्रिज है उनका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, देविका जो ब्रिज है वो उधमपुर और पुनेजा जो ब्रिज है वो डोडा जिले में, इन दो जिलों में ये दो ब्रिजों का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब इन ब्रिजेज का निर्माण किसने किया, तो बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन ब्रिजों का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि, संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। देखिए संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि जो है इसमें अभी हाल ही में शामिल होने की घोषणा की है चीन ने इसमें शामिल होने की घोषणा की है, और अमेरिका ने इस संधि में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो अमेरिका ने इनकार कर दिया है और चीन ने इस संधि में शामिल होने की घोषणा की है। अब ये संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि क्या है, तो देखिए बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट होते हैं उस पर इंटरनेशनल कंट्रोल के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए
कई देशों के बीच में ये संधि की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय जो हथियार व्यापार संधि है, ठीक है, तो उन हथियारों पर नियंत्रण के लिए ये संधि की जाती है, जिसमें चीन ने अभी शामिल होने की घोषणा की है, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? देखिए, गुजरात के जो 5वें लोकायुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला को गुजरात का 5वां लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। गुजरात की बात है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी यहां के मुख्यमंत्री हैं, और यहां के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आज का अपना ये करंट अफेयर्स का जो सेशन था, उसमें अपन ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।